अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये जी हम गंगा चोटी की तरफ जा रहे हैं, तो रास्ते में ये हालांकि तेज़ धूप भी है लेकिन यहीं से बर्फ़बारी भी, ये बर्फ़ पड़ी है। आप देख रहे हैं रोड के दोनों तरफ, नीचे भी आपको बर्फ़ नज़र आ रही होगी। ये देखें ये सारी ऊपर तक ये सफ़ेद बर्फ़ ही बर्फ़ है। चोटी पहुंचने वाले हैं तो अभी से ये बर्फबारी शुरू हो चुकी है। इस तरफ ये जितना भी इलाके आगे दूर जो आपको नज़र आ रहा है मुजफ्फराबाद है, और उससे आगे की तरफ फिर इंडिया का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ से इंडिया की चोटियाँ भी नज़र आ रही हैं अगर जूम करके मोबाइल को देखें तो। इस तरह के रास्ते हैं, ये तकरीबन यहाँ 7-8 फुट 10 फुट तक जी। जब बर्फ़बारी होती है और स्नोफॉल होता है तो ये रास्ते बंद हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है तो गाड़ियाँ भी नहीं आती। सिर्फ मखसूस गाड़ियाँ जिनके नीचे चैन लगा होता है वही आती हैं, या फिर पैदल ही ऊपर तक जाया जाता है। तो अभी तो चूँकि मौसम नॉर्मल है, धूप भी है, इस वजह से रास्ते क्लियर हैं और आम गाड़ी भी जा सकती है जैसा कि हम जा रहे हैं। रास्ते ये आप देख रहे हैं पुरखतर, और गाड़ी का भी ज़ोर लग रहा है और गाड़ी के साथ साथ हम भी ज़ोर लगा रहे हैं। ये पीछे सारी चोटियाँ जो हैं मुजफ्फराबाद की तरफ और आगे इंडिया की चोटियाँ हैं। ये सामने नज़र आ रहे हैं आपको बर्फ़ गंगा चोटी, तो हम तकरीबन चोटी के ऊपर ही जा रहे हैं। मज़ीद कुछ और ऊंचाई पे जाएंगे तो चोटी आ जाएगी। ये देखिए ये बर्फ़बारी है दोनों तरफ। ये देखें जी इस तरफ सामने पहाड़ियाँ मुजफ्फराबाद की, आगे इंडिया की पहाड़ी है, और ये मुकम्मल बर्फ़ ही बर्फ़। और ये देखें जी ये बर्फ़ काट जैसे काटी हुई है यहाँ से ऊपर जाने के लिए। ये जी सामने नीचे की तरफ देखिए, आगे वो नीचे हम बाग शहर से ऊपर आ रहे हैं। ये हम चोटी पर तकरीबन पहुँच चुके हैं। ये सामने आपको नज़र आ रही है, ये सामने, तो यहाँ पर हमने जाना है। ये तकरीबन 1-2 महीने बाद जब बर्फ़ कुछ कम होगी तो यहाँ नीचे से सब्ज़ा हरियाली, और जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ जो हैं वो सब्ज़े की चादर पहन लेंगे, तो ये सब कराची वालों को हमारी तरफ से दावत भी है। तो सब कराची वालों को इंशाल्लाह दावत होगी कि वो तशरीफ लाएं, और ये भाई इंशाल्लाह मेहमान नवाजी का हक अदा कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी सही। जी गंगा चोटी आ गई है यहाँ, अब हम गाड़ी से नीचे उतरे हैं तो ये सामने गंगा चोटी आप देख लें, इससे बहुत आगे है। इससे भी आगे है, तीन इस तरह के स्टेप हो। अच्छा 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 अच्छा, तो ये उसकी इब्तिदा है, ये चोटी भी उसकी इब्तिदा है। इसके आगे भी 3 स्टेप जाके फिर वो चोटी आती है, लेकिन अब चूंकि आगे गाड़ी का रास्ता नहीं है तो पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ ये खेल होता है,
गोले बना के मारना। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, ये हमारे साथ ही कुछ नीचे से आ रहे हैं सी एस साहब। ये जी अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये तमाशा देखें जी। बर्फ के गोले बना के ये साथी खेल रहे हैं। देखें जी नीचे सारी बर्फ ही बर्फ है। ये सामने गंगा चोटी जो है, ये सामने है। और ये सामने जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, इनसे आगे पाकिस्तान खत्म हो जाते हैं, इंडिया आ जाते हैं। आगे इंडिया जो सफ़ेद सफ़ेद बर्फ से पूरे पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये जो ऊपर मुकम्मल बर्फ़ है और ये बर्फ़ का पानी पिघल के यहाँ से जा रहा है नीचे। ये देखें यहाँ पर ये सुराख में दाखिल हो रहा है। और फिर यहाँ से ये नीचे उतरेगा और फिर आगे तक जाएगा नीचे। हम वापस जा रहे हैं और ये दोनों तरफ आप देख लें नीचे बर्फबारी है। ये एक ज़िला है ज़िला मुजफ्फराबाद है, जी इधर ज़िला मुजफ्फराबाद और ये इधर सारा बाग है और दरमियान में ये उसकी सरहद कह लें, हद कह लें, तो ये रोड उसकी हद और सरहद है। बाद और इधर मुकम्मल बाग और वो सामने। ये देखें जी ये बर्फ़ काटी हुई है और रोड ऊपर तक ये सारी बर्फ है, ये आप देख सकते हैं।
और साफ़ सुथरी बर्फ़ है, तक आप इसे खा भी सकते हैं। और यही बर्फ़ ये पिघल पिघल के ये देखें, ये पानी जा रहा है नीचे। हाँ, यही दरियाओं में समुद्रों में जाती है। तो ये पानी नीचे जाके चश्मों की सूरत में फिर यही पानी पीने के काबिल और ज़बरदस्त होता है। और ये देखें, ये हमारे साथी हैं ऊपर, हाँ वो कह रहे तस्वीरें। ये जी बर्फबारी के गोले बना के मुकाबला हो रहा है, बर्फ के ग्रेनेड।